और खबर लखनऊ से, आपको बता दें आज से शुरू हो रही यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात, बोर्ड ने नकल रोकने के लिए किए सभी इंतजाम। सभी एग्जाम सेंटर पर लगाए गए हैं सीसीटीवी। लखनऊ इंदिरा भवन में बनाया गया है कंट्रोल रूम। 1 लाख से ज्यादा बच्चे देंगे इम्तहान। यूपी मदरसा बोर्ड की इम्तहानात आज से शुरू हो रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड के इम्तहानात आज से शुरू हो रहे हैं लखनऊ इंदिरा भवन में। आपको बता दें तमाम व्यवस्थाएं, 1 लाख से ज्यादा बच्चे इम्तहान देंगे और इसको लेकर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी, कहीं कोई लापरवाही नहीं होगी और ऐसे में पूरे कंट्रोल रूम को सीसीटीवी से लेस किया गया है। सभी एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। इंदिरा भवन में बनाया गया कंट्रोल रूम। तो विदेंद्र प्रताप इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विदेंद्र, सीधा आपका रुख करूंगा और आपसे समझूंगा, क्योंकि मदरसा बोर्ड के इम्तहान आज से शुरू हो रहे हैं। यूपी मदरसा बोर्ड का जो इम्तहान आज से शुरू हो रहे हैं उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, सीसीटीवी से किस तरह से नजर रखी जाएगी? देखिए, बात अगर आजमगढ़ की जाए तो प्रदेश सरकार जहां बेहतरी के लिए और जो मदरसे के जो छात्र हैं उनको किस तरीके से और निखर के आवे, इसको प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के लिए सभी तैयारियां विभाग ने पूरी कर ली है। आज से शुरू होने परीक्षा केंद्र के लिए जिले में कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4267 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मदरसा बोर्ड को लेकर यूपी बोर्ड के सात और मदरसा बोर्ड के 9 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसी कैमरे भी लगाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर सीसी सेकेंडरी यानी मुंशी मौलवी और सीनियर सेकेंडरी यानी कि कालीम और फाजिल की परीक्षा में कुल जो परीक्षार्थी शामिल होंगे, यह 2 पालियों में कराई जाएंगी, जो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। दूसरी पाली 2 बजे से शाम 5 बजे तक तो होगी, जहां परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। हालांकि प्रथम पाली में अगर बात की जाए तो 2463 तो वही दूसरी पाली में 1711 छात्र सम्मिलित होंगे। परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा 5 सचल दस्ता बनाए गए हैं, जो जिले के सदर, सगड़ी, बुरनपुर, निजामबाद, मेनगर तथा फूलपुर में तहसीलें हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक अधिकारी डीआईएस, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग अधिकारी, बीएसए के नेतृत्व में सकल दस्ता बनाया गया, जिसे नकल विहीन परीक्षा कराया जा सके। जी फाजल, बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह से आपने बताया वेदांत्र के वेदेंद्र, सबसे खास यही है कि नकल विहीन परीक्षा को कराया जाए, तभी लगातार जो है ये बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और इसको पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि पारदर्शिता से परीक्षा होगी। बहुत शुक्रिया वेदेंद्र हमारे साथ जुड़े।